हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज पूरे व्लॉग में मैं आपके साथ भाई बहुत ही काम की बातें शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों को तो ऑलरेडी पता होंगी, मगर बेसिकली इन्फॉर्मेशन जो है उन लोगों के लिए जिनको अभी तक पता नहीं है। चलें जी, टाइम ज़ाया नहीं करते और व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ब्रेड तो सभी के घर में आती है, लेकिन ये बात मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि ब्रेड का सबसे ऊपर वाला स्लाइस और सबसे नीचे वाला स्लाइस घर का कोई बंदा नहीं खाता। वैसे मैं तो बहुत शौक से खा लेती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे भी नहीं खाते। अक्सर ऐसा होता है कि अभी पुरानी ब्रेड के 2-3 स्लाइस पैकेट में पड़े हुए होते हैं और घर में न्यू ब्रेड आ जाती है, और जैसे ही न्यू ब्रेड आती है तो हम पुरानी ब्रेड को भाई या तो छानबूरे में फेंक देते हैं या घर में काम करने वाली मासी को दे देते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वो बचे हुए पीसेज आपके कितने काम आ सकते हैं। अब जैसे ये ब्रेड थी, इसमें अभी 2-3 पीस बचे हुए थे और मेरे घर में नई ब्रेड आ गई थी, तो मैंने इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया। मैं क्या करती हूँ, ये स्लाइस लेकर इनका अच्छी तरह से ना क्या कहते हैं चूरा ठीक है चूरा बना लेती हूँ। आज भाई हम बड़ी अच्छी स्लैंग बोलेंगे अपने पूरे व्लॉग में जो हम घर में यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने मुकद्दस को बोला, एक पहले मैंने उसके हाथ वॉश करवाए अच्छी तरह से, और मुकद्दस अब यहाँ पर अच्छी तरह से उसका चूरा बना रही है। कुछ लोग क्या करते हैं कि स्लाइस के 3-4 टुकड़े करके ना ग्राइंडर में डाल देते हैं और उसको ग्राइंड कर लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये कष्ट करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब हाथ सलामत हैं यार तो थोड़ा हाथों को भी चला लो। होता यह है कि जब आप चूरा बनाने लगते हैं ना तो 3-4 लाजमी इस तरह की मोटी मोटी सी गुठलियाँ रह जाती हैं, बस उसके साथ आपने मज़ीद मेहनत नहीं करनी, उन गुठलियों को आपने अलग कर देना। ये देखें जी, यहाँ पर हमारा बहुत ही फाइन चूरा, ब्रेड का चूरा हमने यहाँ पर तैयार कर लिया, और अब मैं बताऊँगी कि हम इससे सुपर डुपर किस्म के क्रम्स किस तरह बनाएंगे, या चिकन को फ्राई करने के लिए, या नगेट्स को फ्राई करने के लिए, या कटलेट्स को फ्राई करने के लिए ब्रेड क्रम्स जो होते हैं ना वो बड़े ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वो ना लज्जत को दुबाला कर देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैंने ले लिया है नॉन स्टिक पैन। नॉन स्टिक नहीं है तो आप आम देगची में कर लें, आम कढ़ाई में कर लें, कोई मसला नहीं है। मेरे पास नॉन स्टिक थी तो मैंने नॉन स्टिक ले ली है। नॉन स्टिक कढ़ाई को मैंने गर्म कर लिया, कोई ऑयल नहीं डालना, कुछ नहीं करना, बस सीधा आपने चूरा इसके अंदर डाल देना है और बस आपने बिल्कुल धीमी आंच पर ना इस चूरे को भून लेना है। अब यहाँ पर मैं भून रही हूँ, आंच आपने धीमी रखनी है, तेज़ बिल्कुल नहीं रखनी, क्योंकि अगर आंच तेज़ होगी ना तो एकदम से सारा ये जल जाएगा, खुशबू भी नहीं आएगी, मज़ा भी नहीं देगा। हमने इसको बिल्कुल धीमी आंच पे करना है ताकि ये गोल्डन भी हो जाए और इसका बहुत अच्छा सा क्रंच तैयार हो जाए। मार्केट से अगर आप ये ब्रेड क्रम्स लेते हैं ना तो ये आपको बहुत महंगे पड़ जाते हैं। अगर आप लोकल ब्रांड के ब्रेड क्रम्स लेते हैं तो भाई हम उनसे कहीं ज़्यादा सफाई से और अच्छे तरीके से बना लेते हैं, और अगर आप इम्पोर्टेड की तरफ जाते हैं तो वो इतने महंगे होते हैं कि एक वक्त में एक डब्बा ही उनका चलता है, और मेरा ख्याल है 800 से 900 रुपये का डब्बा मिलता है। तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम इतने पैसे खर्च करें जो चीज़ हम घर में आराम से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें जी, ये बातें करते करते ये देखें ये गोल्डन होना शुरू हो गया है। हमने इसको एक लिमिट तक गोल्डन करना है, हमने इसे जलाना नहीं है। अगर आप जला लेंगे तो फिर क्या होगा कि जब आप कोटिंग करेंगे ना इसकी अपने कटलेट्स पर या चिकन पीसेस पर किसी पर भी, तो उसमें से फिर जलने की स्मेल आएगी। सो बी केयरफुल। जैसे ही ये गोल्डन हुए हैं ब्रेड क्रम्स, तो मैंने इनको एक ट्रे में निकाल लिया है। मैंने उसी बर्तन में पड़ा नहीं रहने दिया क्योंकि कढ़ाई थी गर्म, अगर मैं उसी में पड़ा रहने देती तो मुझे डर था कि ये जल ना जाए, इसलिए मैंने इनको ट्रे में निकाल लिया है। अब मैं इनको ठंडा होने दूंगी और आपको अभी मैं इनका क्रंच भी सुनवाती हूँ। आवाज़ तो आप लोगों ने सुनी ली होगी, कितने क्रंची क्रंची ब्रेड क्रम्स बने हैं ना। बस ये अब तैयार हैं, ठंडे हो चुके हैं बिल्कुल। अब आपने क्या करना है, इसको किसी भी 8x4 में बंद करके रख देना, या कोई भी आपके पास डिस्पोजेबल प्लास्टिक बॉक्स पड़ा हुआ है तो उसमें डाल दें और बंद करके इसको फ्रिज में रख दें। आपने बाहर नहीं रखना इसको, आपने इसको रेफ्रिजरेट ही करना है। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने घर में कटलेट्स फ्राई करने लगें, या चिकन पीस आप बना रहे हैं, क्रिस्पी पीस बना रहे हैं, या नगेट्स आप फ्राई कर रहे हैं, तो आप इसकी कोटिंग ज़रूर करें, फिर देखें कि आपकी चीज़ें कितनी मज़े की लगती हैं। अक्सर जब भी हम कहीं बाहर गए होते हैं और घर वापस आते हैं तो हम क्या करते हैं कि चाबियाँ लाकर सीधा मेज़ पर फेंक देते हैं।
घर में मुख्तलिफ किस्म की चाबियाँ होती हैं, जैसे घर की कीज़ होती हैं, बाइक्स की, गाड़ी की, और भी मुख्तलिफ कीज़ होती हैं, तो वो अगर हम इधर उधर फेंकते रहेंगे नेक्स्ट टाइम जब हमें चाहिए होगी तो हमें बहुत मुश्किल होती है। घर में एक की होल्डर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मगर अगर आपके पास एक फैंसी की होल्डर नहीं है तो एक आम सा की होल्डर ले सकते हैं। अगर वो भी आप नहीं ले सकते तो घर में किसी भी एक जगह पर की लगा लें और उसमें अपनी कीज़ लटका दिया करें। या फिर अक्सर घरों में इस तरह की चीज़ें फालतू पड़ी होती हैं, जैसे कि ये बास्केट मेरे घर में काफ़ी दिनों से फालतू पड़ी हुई थी, या आइसक्रीम के डब्बे फालतू पड़े हुए होते हैं, तो आप आइसक्रीम के डब्बे को, जो कि एक प्लास्टिक का डब्बा होता है, उसको आप घर में पेंट करके, जैसे बच्चों के पास पोस्टर कलर्स होते हैं उससे भी आप उसको पेंट कर सकते हैं, पेंट करके ड्राई करके आप किसी कॉमन जगह पर रख दें और सब घर वालों को बोल दें कि जब भी वो कीज़ रखें तो इसी बॉक्स में आकर रखें, तो इस तरह नेक्स्ट टाइम आपको की मिलने में मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, तो अभी मैं बैठी थी किचन में, अपने लिए चाय मैंने बनाई थी, मैं साथ साथ चाय भी पी रही थी और मुकद्दस से बातें भी कर रही थी। मुकद्दस मुझे अपने गांव के बारे में काफ़ी बातें बता रही थी। अचानक ही बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि क्यों ना आटे से मुतालिक आप लोगों के साथ एक टिप शेयर की जाए। देखें, अक्सर जब भी हम आटा गूंथते हैं और आटे को हम एक दिन के लिए फ्रिज में छोड़ते हैं तो अगले दिन जब हम आटा यूज़ करने लगते हैं ना, तो आटे के ऊपर एक पपड़ी सी आ जाती है जो कि बहुत बुरी लगती है, मुझे तो स्पेशली बहुत बुरी लगती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आपको एक ऐसी टिप दूँ जिससे वो पपड़ी जो है वो आटे के ऊपर ना आए। तो आपने करना यह है कि आटा, जिस तरह से भी आपका तरीका है आटा गूंदने का, वो आप गूंद लें, और गूंदने के बाद आपने आटे के ऊपर ऑयल की हल्की सी लेयर, अब ये नहीं कि आप भर भर कर ऑयल लगाना शुरू कर दें क्योंकि ऑब्वियसली ऑयल में भी कैलोरीज होती हैं, तो आपने हल्के से ऑयल की लेयर जो है ना वो आटे के ऊपर लगा देनी है। उसके बाद आटे को ढककर फ्रिज में रख देना है, बस ये आपने करना है, और फिर आपके आटे के ऊपर कभी भी पपड़ी या पपड़ी की जो लेयर होती है वो नहीं आएगी। आपका आटा भी फ्रेश रहेगा, आटे का कलर भी ठीक रहेगा। एक और चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि घर के फ्लोर को डस्ट फ्री रखने के लिए या हर तरह के गंद से, कीचड़ से या बाहर की गंदगी से बचाने के लिए डोर मैट्स का इस्तेमाल आप लोग ज़रूर किया करें, डोर मैट्स कह लें या फ्लोर मैट्स कह लें। अच्छा, अब इसमें ना दो डिफरेंट तरह के मैट्स होते हैं, जो आपने घर के बाहर वाले एरिए में रखने हैं वो आप PVC या प्लास्टिक के बने हुए मैट्स यूज़ करें ताकि अगर बारिश आ जाए, पानी आ जाए या आप इसको वॉश करें तो ये फ़ौरन से ड्राई हो जाएं। ये क्योंकि ऐसे मटेरियल के बने हुए होते हैं, इनमें अगर पानी जाएगा भी तो इनका कोई नुकसान नहीं होता। जैसे कि ये मैट है, ये PVC मैट है, ठीक है, PVC या प्लास्टिक या रबर के बने हुए मैट्स आराम से मार्केट में मिल जाते हैं। आप भी और अपने घर वालों को भी ये नसीहत करें कि जब भी वो घर में एंटर होने लगें तो जूतों को अच्छी तरह से बाहर वाले मैट पर रब कर लें और उसके बाद घर में एंटर हों, ताकि बाहर का जो डस्ट या कचरा है वो घर के अंदर ना आए। इसके अलावा आपके घर में जितने भी वॉशरूम्स हैं उनके बाहर आप माइक्रोफाइबर से बने हुए फ्लोर मैट्स रख सकते हैं, क्योंकि घर के अंदर यानी बेडरूम्स में PVC के मैट्स, प्लास्टिक के मैट्स या रबर के मैट्स रखे हुए अच्छे नहीं लगते, तो माइक्रोफाइबर मैट्स जो हैं वो अच्छे लगते हैं और मुख्तलिफ डिज़ाइंस में अच्छे कलर्स में मिल जाते हैं। मेरे घर में 6 वॉशरूम में और 6 के बाहर ही मैंने फ्लोर मैट्स रखे हुए हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगी कि जो आपके वॉशरूम के शूज़ हैं ना वो आप सेपरेट रखें। जो शूज़ आप बाहर से लेकर आ रहे होते हैं वही आप घर में यूज़ कर रहे हैं और वही शूज़ लेकर आप अपने वॉशरूम में चले जाते हैं तो वॉशरूम का फ्लोर गंदा हो जाता है। तो वॉशरूम के शूज़, वॉशरूम की एंट्रेंस पर जो मैट रखा होता है वहाँ पर रखें, वॉशरूम जाते हुए अपने शूज़ लाजमी चेंज करें ताकि आपका वॉशरूम का फ्लोर भी गंदा ना हो और कमरा भी नापाक ना हो। माइक्रोफाइबर मैट्स आपको बड़े आराम से किसी भी लोकल शॉप से मिल जाएंगे, नहीं तो फिर आपको मिनीसो से या लेटलिव से भी मिल जाएंगे। जैसे ये जो मैट है या आप इसके ऊपर लिखा हुआ देख रहे हैं, ये लेटलिव के मैट्स हैं। नमकदानी तो सबके घर में होती है, अक्सर आपने देखा है कि नमकदानी के अंदर नमक जम जाता है और इसी तरह के पॉट्स के अंदर हमने काली मिर्चें भी रखी हुई होती हैं या किसी में चाट मसाला डाला हुआ होता है, तो क्या होता है कि अक्सर काली मिर्चें भी अंदर जम जाती हैं, उनमें नमी आ जाती है, चाट मसाले में भी नमी आ जाती है या नमक में भी इस तरह से नमी आ जाती है, और जब भी हमने अंडा बनाया या किसी चीज़ के लिए हमें नमकदानी की ज़रूरत पड़ती है तो एंड टाइम पर नमकदानी में से नमक आता ही नहीं है, जो कि बहुत ही बुरा लगता है। तो इसके लिए बहुत एक आसान सी टिप है, वो मैं आपको बताती हूँ। आपने करना यह है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपनी नमकदानी में नमक भरने लगें तो सबसे पहले तो आपने नमकदानी को धोने के बाद टिश्यू पेपर से अच्छी तरह से उसको ड्राई कर लेना है, उसके बाद आपने उसमें नमक डालना है। नमक डालने के बाद आपने सिर्फ 3 से 4 चावल के दाने, बस जैसे यहाँ पर मैंने 3 दाने लिए हुए हैं, तो 3 से 4 चावल के दाने आपने अपनी इस नमकदानी में डाल देने हैं। आप यकीन करें आपका के नमक में कभी भी नमी नहीं आएगी, ना ही आपका नमक जो है वो नमकदानी के अंदर जमेगा। इस टिप को ट्राई करें। चावल के बारे में मशहूर है कि ये नमी जो है ना सारी सोख कर लेता है, और ये झूठ नहीं है, ये फैक्ट है, हकीकत है।
तो पहले मुझे ये पता नहीं था, ये टिप मेरी भाभी ने मेरे साथ शेयर की थी तकरीबन आज से 3-4 साल पहले, और तब से मैं इस पर अमल कर रही हूँ। और यकीन करें कभी भी मेरा नमक नमकदानी के अंदर जमता नहीं है। ये बहुत यूज़फुल टिप है, आप भी ट्राई कीजिएगा। एक ज़माना होता था जब सब्ज़ी के साथ हरा धनिया फ्री मिला करता था, लेकिन भाई अब तो महंगाई ही इतनी हो गई है, हरा धनिया तो क्या, अब तो कोई चीज़ ही फ्री नहीं मिलती। तो मैं क्या करती हूँ, एक वीक के लिए ना 100 रुपये का हरा धनिया मैं मंगवा लेती हूँ, और मैं उसको सेव किस तरह करती हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर इकट्ठा हरा धनिया आ जाए तो वो उसको उसी तरह से अखबार में लपेट कर फ्रिज में रख देते हैं। वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर अचानक से मेहमान आ गए या कुछ भी हो तो पहले निकालो, काटो, फिर धो, फिर डालो, तो वो मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। मैं क्या करती हूँ, हरा धनिया मंगवाया, उसको इस तरह से फाइन काट लिया जिस तरह से आपको कटा हुआ नज़र आ रहा है, फिर एक प्लास्टिक का बॉक्स लिया, डिस्पोजेबल बॉक्सेज मैंने हमेशा अपने घर में रखे हुए होते हैं, उसमें इस तरह से टिश्यू पेपर छाया और उसमें ये सारा हरा धनिया मैंने डाल दिया, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। कसम से यार, जब हरा धनिया फ्री मिला करता था ना, मैं और मुकद्दस कदर ही नहीं करते थे हरे धनिए की। आता था और बस फ्रिज में ऐसे ही फेंक देते थे, ज़ाया हो जाता था, काला हो जाता था, गल जाता था, फेंक देते थे। लेकिन जब से पैसों का लेने लगी हूँ ना, अल्लाह की कसम बहुत कदर करती हूँ मैं धनिए की। तो बस इस तरह से काट कर टिशू पेपर में इसको इस तरह से अच्छी तरह से रैपअप कर देती हूँ और इसको मैं ढक कर फ्रिज में रख देती हूँ। जैसे ही मुझे हांडी बनानी हुई, जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है उतना हरा धनिया निकाला, फ्रेश फ्रेश धोया और हांडी के ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें, और कोशिश करूँगी कि आइंदा से इसी तरह के हैक्स या कोई भी यूज़फुल चीज़ें, हेल्पफुल चीज़ें मैं आप लोगों के साथ अपने ब्लॉग में शेयर करती रहूँ। इंस्टाग्राम पर मैं होती हूँ आई तरफ खान के नाम से, वहाँ पर मुझे फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।